यह मुंबई में बन रहा एलिवेटेड कॉरिडोर जो वर्ली के शिवड़ी नाका से होकर वर्ली को जोड़ रहा है। बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर रोड पर खुदाई का काम चल रहा है। शिवड़ी नाका के पास रहने वाले लोगों का आरोप है कि रोड के काम की वजह से आसपास की 7 से 8 इमारतों में दरारें पड़ रही हैं और बिल्डिंगों में जो है उनके बीम में स्ट्रक्चर में जो है वो दरारें आ रही हैं। इस वक्त मैं शिवड़ी इलाके के एक ऐसे ही घर में मौजूद हूं और आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वो आपको दरारें दिखाई देंगी। जब से काम स्टार्ट हुआ है हमारे बिल्डिंग के सामने, जब से फाइलिंग शुरू हुई है, तब से हमारे घरों में जो कॉलम है, बीम है, इनमें क्रैक्स आना शुरू हो गया है और क्रैक्स बढ़ते बढ़ते अभी तो काफी डेंजरस हो गया है। MMRDA का कहना है कि एलिवेटेड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट की वजह से लोगों के घरों में दरारें पड़ने की बातों में कोई सच्चाई नहीं है। BJTA का रिपोर्ट भी आया और रिपोर्ट ऐसा आया पाइलिंग का और जो क्रैक्स है बिल्डिंग में उसका कुछ संबंध नहीं है। वर्ली शिवडी कनेक्टर प्रोजेक्ट का भूमि पूजन पूर्व CM उद्धव ठाकरे ने 21 फरवरी 2021 को किया था।